आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस है, क्या है? इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है बैक्टीरिया जनित रोग, दूसरा है वायरस जनित रोग, तीसरा दिया हुआ है प्रोटोजोआ जनित रोग और चौथा है ईस्ट जनित रोग। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन संचारित रोग। हम ये कह रहे हैं कि ये जो रोग है वो किससे होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स या हमारे लैंगिक जनन के द्वारा ये संचारित रोग है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, यौन संक्रमित रोग कह सकते हैं। यौन संक्रमित क्या है ये, यौन संक्रमित रोग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को इस रोग को हमने बोला है क्या, हर्पिस। हर्पिस अब देख लेते हैं कि ये रोग किसके द्वारा होता है। गाइस ये रोग होता है हमारा एक विषाणु के द्वारा और उस विषाणु का नाम है HSV, इसी को हम बोलते हैं क्या, हर्पिस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। क्या बोलते हैं, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, वायरस। तो ये हमारा क्या है, वायरस जनित रोग है जिसका नाम क्या है, HSV। अब हम देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है क्या, बैक्टीरिया जनित रोग। तो देखिए बैक्टीरिया जनित रोग जो होता है उसे हम बोलते हैं वेजिनेलिस। क्या बोलते हैं, वेजिनेलिस, ट्राइकोमोनियसिस वेजिनेलिस। ये हमारा क्या होता है, जीवाणु द्वारा होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। हर्पिस जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। सेकंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है वायरस जनित रोग। तो गाइज यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वायरस जनित रोग है। देखिए इसके नाम ये दिख रहा है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। तो ये क्या है, वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग गाइज बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ के द्वारा क्या होता है, आमातिशार हो जाता है। हिस्टोलिटिका के द्वारा क्या होता है, आमातिशार, हिस्टोलिटिका के द्वारा। तो ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ईस्ट द्वारा। ईस्ट इससे क्या होता है, कई तरह के त्वचा संबंधी रोग होते हैं। क्या होते हैं, त्वचा रोग होते हैं। तो ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड फोर्थ गलत हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि करेक्ट है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।